शालोम, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन में से एक बहुत ही प्यारी पुस्तक और परमेश्वर के एक बड़े श्रेष्ठ दास पुराने नियम में, जिस प्रभु के भक्त का नाम है हबक्कुक, उनकी पूरी पुस्तक के ऊपर हम दो या तीन भागों में अध्ययन करेंगे। हबक्कुक, हबक्कुक, हबक्कुक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिब्रू में ये नाम है हबक्कुक, हबक्कुक। हबक्कुक का मतलब वो जिसे परमेश्वर अपने आलिंगन में लेता है। जैसे पंजाबी में कहें, ओ जेनु परमेश्वर जफी पौंदा है, या दूसरे शब्दों में द एम्ब्रेस ऑफ गॉड, द वन हुम गॉड एम्ब्रेसेस और द वन हु इज द एम्ब्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। इस प्रभु के दास का ये अद्भुत नाम है। और हबक्कुक, उसका पहले अध्याय का पहला वचन मैं पढ़ता हूं, द बर्डन विच हबक्कुक द प्रॉफिट डिड सी। एक आध्यात्मिक बोझ जो परमेश्वर का दास हबक्कुक देखता है। हालेलुया। और यह पुस्तक इतनी अद्भुत है, इस पुस्तक में परमेश्वर का ये दास, इस पुस्तक के पहले चरण में यहोवा परमेश्वर के सम्मुख बहुत सारे प्रश्न प्रस्तुत करता है और परमेश्वर से डायलॉग करता है, बातचीत करता है, और यहोवा परमेश्वर से अपेक्षा रखता है कि परमेश्वर उसके प्रश्नों का उत्तर उसे दे। और हम देखते हैं इस पुस्तक में गॉड एंड हबक्कुक, दे आर टॉकिंग बैक एंड फोर्थ। हबक्कुक और यहोवा परमेश्वर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। ये पुस्तक बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं कि कैलेडियंस या बेबलोनियन लोग उनके इज़राइल के ऊपर आक्रमण के थोड़ा समय पहले या उसकी शैडो में, उसकी पृष्ठभूमि में लिखी गई है। ये जो नबी है उन दुश्मनों के आगमन की सूचना पा रहा है अपने हृदय में और परमेश्वर से प्रश्न करता है, परमेश्वर से सवाल करता है। और पहले अध्याय में यूं दिखाई देता है जैसे परमेश्वर का ये अद्भुत नबी बहुत कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है, विचलित है, सवालों से भरा हुआ है। और कई सवाल है इसके हृदय में जो परमेश्वर से पूछना चाहता है और डायलॉग करता है परमेश्वर से। प्रभु से पूछता है प्रथम अध्याय में, यहोवा परमेश्वर, सॉवरेन किंग ऑफ द यूनिवर्स, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर, अगम्य ज्ञान रखने वाला सृष्टा, क्यों पृथ्वी के ऊपर दुराचारियों को पनपने देता है, क्यों दुष्ट लोग फलवंत होते हैं, क्यों अधर्मी लोग तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्यों परमेश्वर के सच्चे लोग, परमेश्वर के पथ पे चलने वाले धर्मी लोग दुख उठाते हैं। ये ऐसी विडंबना को देखता है, मनुष्य की ऐसी पीड़ा की अनुभूति करता है और परमेश्वर से प्रश्न करता है कि जीवन में अन्याय क्यों है। जीवन, why is life unfair to some, जीवन क्यों एक पहेली की मानिंद है कुछ लोगों के लिए। मनुष्य के जीवन की पीड़ा, मनुष्य के जीवन का कष्ट, जो ये नबी सोचता है शायद इनजस्टिस है, अन्याय है। और वह प्रभु से प्रश्न करके पूछता है कि प्रभु आप ऐसा क्यों करते हो। तो बीच में प्रभु उसे जवाब देता है, लेकिन कई बार ऐसे लगता है जैसे कई सवालों का परमेश्वर हबक्कुक को जवाब नहीं देता। तो हम पढ़ते हैं यशाया नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन। यहोवा परमेश्वर मनुष्यों से क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं, ना ही मेरे राह तुम्हारे राह है। परमेश्वर जो अद्वैत है, अजन्मा है, सनातन है, सर्वव्यापी है, महापराक्रमी है और बुद्धि और चेतना का स्रोत है, वो परमेश्वर वैसे नहीं सोचता जैसे मनुष्य सोचता है। परमेश्वर स्वर्ग में किस दृष्टिकोण को किस रीति से देखता है और पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्य उसी सेम मसले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं,
हालेलुया। गॉड हु इज ऑलमाइटी, परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर जो सॉवरेन है, एवरीथिंग मेक्स परफेक्ट सेंस टू गॉड। परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी और सब कुछ जानने वाला है, जिसकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है, उसके परिभेष में स्वर्ग में हर चीज जो है मेक्स परफेक्ट सेंस। लेकिन हम लोग जो पृथ्वी पे हैं मनुष्य, हमें बहुत से परमेश्वर के विचार समझ में नहीं आते। परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर की गति, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के काम करने का ढंग मनुष्यों को कई बार समझ नहीं आता। हम देखते हैं परमेश्वर का ये अद्भुत नबी हबक्कूक कंफ्यूज्ड है और प्रभु से बारंबार प्रश्न करता है, अपने जीवन की स्ट्रगल को प्रभु के आगे पेश करता है। प्रथम अध्याय में, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में बताया कि नबी कंफ्यूज्ड है, उसको परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के विचार और परमेश्वर के काम समझ में नहीं आ रहे। लेकिन दूसरे अध्याय की जब हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं वो परमेश्वर के चरणों में जाता है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में तसल्ली पाता है, सुकून पाता है, इत्मीनान पाता है। और जब हम इसके अंतिम अध्याय में जाते हैं, जो शायद हम दूसरे या तीसरे सेशन में करेंगे, वो अद्भुत आनंद से भर जाता है और परमेश्वर की स्तुति करने लगता है। तो हमारे जीवन में ये मानवीय जीवन जो हम पृथ्वी पे जीते हैं, ये सरल और सुगम नहीं है, बहुत सी चुनौतियों से भरा हुआ है, बहुत से कष्ट हैं इस मानवीय जीवन में, बहुत वेदना है, बहुत पीड़ा है, बहुत सी ऐसी अनकही बातें हैं, बहुत से ऐसे विचित्र सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जहन में सवाल हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब परमेश्वर हमें नहीं देता। गॉड इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू आंसर एवरी क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर हमारे सभी सवालों का जवाब दे। हालेलुया। तो नबी परमेश्वर से प्रश्न करता है, कुछ प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर उसको देता है। दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं कि वो प्रभु की उपस्थिति में जाता है, भजन करता है प्रभु की उपस्थिति में। दूसरा जो इसका अध्याय है वो एक पोम है, एक कविता है, वो एक कविता की तरह एक भजन गा रहा है परमेश्वर के सम्मुख, और कंफ्यूजन से कंसोलेशन की ओर जाता है। वो कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ मालूम नहीं है, भ्रमित है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन दूसरे अध्याय में जब परमेश्वर के सानिध्य में जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर की आराधना करने लगता है, तो उसके हृदय के अंदर एक अद्भुत तसल्ली, एक स्वर्गीय शांति आके विश्राम करने लगती है। और तीसरे अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है। तो वो सवाल करता है परमेश्वर के लोगों के विषय में, यहूदियों के विषय में, इसराइलियों के विषय में। सबसे पहले चरण में वो प्रभु यहोवा से पूछता है, परमेश्वर ये तेरे लोग हैं, तेरी विधियां, तेरे हुक्म, तेरी व्यवस्था तूने इन्हें दी, तूने पुरखों को दिया, तूने आराधना के रहस्य इन्हें दिए, तूने इन्हें मूसा का खेमा दिया, हैकल दी, मंदिर दी, आराधना बलि कुर्बानियां चढ़ाने की व्यवस्था दी, तूने अपने श्रेष्ठ नबियों दासों को भेजा, चिताया, लेकिन फिर भी तेरे लोग दुष्ट क्यों हैं? अन्याय क्यों है उनके जीवन में? कुटिलता क्यों है? क्यों वो मूर्तियों की ओर भ्रमित हो जाते हैं? क्यों वो जनाकारी में, हरामकारी में और पाप और बदकारी में बार बार गिरते हैं? क्यों वो एक दूसरे के संग अन्याय करते हैं? तो ये बातें प्रभु के समक्ष रखता है। पांचवा जो वचन है पहले अध्याय का, बड़ा अद्भुत है। प्रभु क्या कहता है? बिहोल्ड ई अमंग द हीदन एंड रिगार्ड एंड वंडर मार्वलसली, फॉर आई विल वर्क ए वर्क इन योर डेज विच ई विल नॉट बिलीव दो इट बी टोल्ड यू। प्रभु यहोवा कहता है, मैं काम करने जा रहा हूं। पहले चरण में वो परमेश्वर के लोगों के विषय में परमेश्वर के आगे उलाना देता है, कंप्लेन करता है कि तेरे लोग कैसे हैं, तेरे न्याय, तेरी विधियां, तेरे हुक्मों की पालना नहीं करते, इनका आचरण, इनका चरित्र, इनका जीवन और इनकी जीवन शैली तेरे वचन से कितना उलट है। तो प्रभु क्या कहता है पांचवें वचन में? प्रभु कहता है, मैं काम करने जा रहा हूं, अद्भुत काम करने जा रहा हूं, मार्वलस, वंडर एंड वंडर मार्वलसली, आई विल वर्क अ वर्क इन योर डेज विच ई विल नॉट बिलीव। मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं
जिस पे तुझे आश्चर्य होगा और तू विश्वास भी नहीं करेगा। तो प्रभु क्या कहता है छठे वचन में, फॉर लो आई रेज अप कैलडियंस दैट बिटर एंड हेस्टी नेशन विच शैल मार्च थ्रू द ब्रेथ ऑफ द लैंड टू पोजेस द ड्वेलिंग प्लेसेस दैट आर नॉट देयर। प्रभु कहता है देख मेरे नबी मेरे दास मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं कैलडियंस को बाबुल के लोगों को, कैलडियंस बेबलोनियन को कहते हैं, मैं बाबुल के लोगों को इसराइल के विरुद्ध लेके आ रहा हूं, मैं उभार रहा हूं एक दुश्मन देश को। वो आएगा, वो बहुत ही दुष्ट कौम है, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे और तुम्हारी धरती की ऊंचाई लंबाई के बीच में मार्च करेगी उनकी सेना, और वो तुम्हारे घरों को ले लेंगे और वो तुम्हारे बागों को ले लेंगे, उद्यानों को ले लेंगे, वो तुम्हारे अंजीर के बागों को, वो तुम्हारे जैतून के बागों को ले लेंगे, वो तुम्हारे अंगूर की बारियों को ले लेंगे और तुम्हें लूट लेंगे। मैं एक ऐसे राष्ट्र को तुम्हारे विरुद्ध में लेकर आ रहा हूं, प्रभु यहोवा कहता है। और लिखा है आई एम ब्रिंगिंग बेबलोनियन दे फ्लाई एज ईगल्स, मैं बेबलोनियन लोगों को ला रहा हूं वो उकाब की तरह उड़ते हैं, वो तुम्हारी धरती को सुनसान कर देंगे, दे विल मेक द लैंड डेसोलेट। हालेलुया। और मैं उनके मन में क्या डालूंगा बेबलोनियन के, वो आके तुम्हारे ऊपर विजयी होंगे, तुम्हें लूटेंगे, तुम्हारे पुत्रों और पुत्रियों को गुलाम बना के ले जाएंगे, तुम असीरी में चले जाओगे। मैं उस हैकल को जिसके अंदर मेरा आत्मा वास करता है, मेरा जलाल वास करता है, उस हैकल को वैरियों के हाथों से तुड़वा दूंगा, हैकल के पवित्र बर्तन दुश्मनों के हाथ में दे दूंगा, और बेबलोनियन बाबुल के लोग तुम्हारे शत्रु ये समझेंगे कि उनके देवी देवताओं ने उन्हें विजय दी है। हालेलुया। फिर प्रभु यहोवा क्या कहता है, फिर पलट के मैं उनके अन्याय उनकी मूर्ति पूजा और उनके बुरे काम की सजा उन्हें दूंगा। ये प्रभु यहोवा का जवाब हबक्कूक को कि एक ऐसी कौम रूथलेस बारबेरिक बेबलोनियन जो कसाईयों की तरह काटते हैं और मारते हैं, प्रोफेशनल मर्सनरीज हैं, उनको मैं तुम्हारे विरुद्ध में लेकर आ रहा हूं। तो अब देखिए प्रभु का दास फिर पलटता है। अब प्रभु का दास क्या कहता है प्रभु से, प्रभु का दास कहता है हे परमेश्वर वेट वेट ओ लॉर्ड, अब मैं इसराइल के लिए रो रहा हूं, इसराइल के लिए विलाप कर रहा हूं, मैंने इसराइल के अधर्म, इसराइल की बुराई, इसराइल की मूर्ति पूजा, इसराइल जो अन्याय करता है उसके विषय में परमेश्वर आपसे उलाहना किया, कंप्लेन की, लेकिन हे परमेश्वर ये जो बेबलोनियन लोग आ रहे हैं इनसे तेरे लोग कहीं ज्यादा धर्मी हैं, कहीं ज्यादा पवित्र हैं, वो तेरी प्रजा है। हे परमेश्वर तू इतनी दुष्ट कौम को, बेबलोनियन की, बाबुल के लोगों की दुष्ट कौम को जो मूर्ति पूजक है, जो मर्सनरीज हैं, किलर्स हैं, जो मारते हैं लोगों को और काटते हैं, अन्यायी हैं, जो लोगों को लूट लेते हैं, हे परमेश्वर तू उनको क्यों लेके आ रहा अपनी प्रजा के ऊपर, क्यों ये लोग जो दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं क्यों तेरे लोगों के ऊपर आके चढ़ाई करेंगे। सुनिए 12 वचन, आर्ट दाउ नॉट फ्रॉम एवरलास्टिंग ओ लॉर्ड माई गॉड माइन होली वन, हे परमेश्वर क्या तू अनादिकाल से लेके अनादिकाल तक नहीं है, हे पवित्र परमेश्वर वी शैल नॉट डाय, हम मरेंगे नहीं, ओ लॉर्ड दाउ हैस्ट ऑर्डेंड देम फॉर जजमेंट, हम मरेंगे नहीं परमेश्वर, तूने बाबुल के लोगों को हमें सजा देने के लिए, हमारा न्याय करने के लिए भेजा है, एंड ओ माइटी गॉड दाउ हैस्ट एस्टैब्लिश्ड देम फॉर करेक्शन, वो डंडे की तरह हमारे ऊपर बरसेंगे, वो छिटी की तरह हमारे ऊपर आएंगे, कोड़ों की तरह हमारे ऊपर बरसेंगे, ताकि हे परमेश्वर तू हमारे दंड की सजा हमें। तो क्या कहता है परमेश्वर का नबी, दाउ आर्ट ऑफ प्योर आइज देन टू बिहोल्ड ईवल, हे परमेश्वर तू इतना पवित्र है कि तू बुराई को देख भी नहीं सकता। प्रभु को अपना तर्क पेश कर रहा है, तो हे परमेश्वर कैसे तू इतने बुरे इन बेबलोनियन लोगों को अपने लोगों के ऊपर चढ़ाई करने देगा, क्यों परमेश्वर ऐसा अन्याय, तेरे लोग तो रास्तबाज हैं,
तेरे लोग बुरे हैं, बुराई की है उन्होंने, लेकिन ये बेबलोनियन लोग जो हैं, कैलडियंस हैं, ये तो बहुत बुरे हैं, दुष्ट हैं, क्यों तू अपनी प्रजा को इनके पैरों के नीचे कुचलवा रहा है? प्रश्न करता है प्रभु से। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके प्रश्नों से विचलित नहीं होता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो इतना विराट है, इतना महान है, इतना यशस्वी है कि वो आपके और मेरे सवालों से घबराता नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी और ऑल इंटेलिजेंट एंड ऑल वाइज है। उसके पास हमारे सभी सवालों का जवाब है। मनुष्य का मन, मनुष्य की समझ, मनुष्य की बुद्धि बहुत सीमित है, हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। इस ब्रह्मांड की कॉम्प्लेक्सिटी को हम समझ नहीं पाते कि ये ब्रह्मांड कितना विराट है। हम समझ नहीं पाते परमेश्वर के अगम्य ज्ञान को, परमेश्वर के अगम्य मार्गों को। तो क्या परमेश्वर से प्रश्न करना गलत है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर का यह नबी पूरे पहले अध्याय में परमेश्वर से सवाल करता है, परमेश्वर से प्रश्न करता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रश्न है। परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, दर्शन दिया आग की जलती झाड़ी में से, तो मूसा ने परमेश्वर से बहुत से बहाने लगाए। परमेश्वर मैं बोल नहीं सकता, परमेश्वर मैं तो ये काम नहीं कर सकता, परमेश्वर मैं वो काम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मूसा के सभी बहानों को लिया और परमेश्वर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तेरे संग खड़ा हूं, मैं तेरे भाई एरन को, हारून को तेरे संग भेजता हूं, वो तेरा मुंह बन के तेरे लिए बात करेगा। हालेलुया। मूसा फिराउन के आगे खड़ा हो जाता है। फिराउन मूसा से कहता, शायद फिराउन ने मूसा से कहा होगा, तू वही नहीं है जिसने 40 वर्ष पहले मिस्री को मारा और उसको रेत में दबा के भागा है, और अब तू किसी यहोवा परमेश्वर के नाम की दुहाई देता है कि उसके लिए मैं प्रजा को जाने दूं? देख, अब मैं तेरे लोगों के लिए, वो मेरे गुलाम हैं, वो जो इतने मिलियन मेरे गुलाम हैं, उनको मैं आसानी से जाने नहीं दूंगा। वो स्लेव लेबर है मेरे लिए। उन्होंने मिस्र का निर्माण किया, मिस्र की इमारतें बनाई हैं, मिस्र के अंदर सारा लेबर का काम उन्होंने किया, वो फ्री की लेबर है मेरे लिए, मैं उन्हें क्यों जाने दूं? अब मैं तेरा काम और मुश्किल करने जा रहा हूं। पहले मिस्री लोग इसराइलियों को मिट्टी देते थे और मिट्टी में स्ट्रॉ देते थे, जिसे पंजाबी में तूड़ी कह देते हैं। वो मिट्टी के अंदर मिक्स करके ईंटें बनाई जाती थी और उसकी वजह से मिट्टी जल्दी मिक्स हो जाती थी। तो अब फिराउन ने कहा, मैं स्ट्रॉ नहीं दूंगा उनको, और अब उनका काम और भी मुश्किल हो गया। मूसा लौट के इब्रानियों के पास गया, यहूदी लोगों के पास जो मिस्र में गुलाम है, वो मूसा से कंप्लेन करने लगे, पहले तो हमारा काम आसान था, अब हमारा काम और मुश्किल हो गया, अब हमें ईंटें बनानी पड़ रही हैं उतनी ही, लेकिन बिना स्ट्रॉ के। तो मूसा फिर प्रभु के पास जाता है, फिर प्रभु से कहता है, क्यों परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया? प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से एक वचन पढ़ता हूं, बड़ा अद्भुत वचन है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक आप निकालिएगा और उसका आप पढ़िए 12 अध्याय में से एक वचन, यिर्मयाह 12 और उसका पहला वचन सुनिए। Righteous art thou, O Lord, when I plead with thee, yet let me talk with thee of thy judgments. Wherefore doth the way of the wicked prosper? Wherefore are all they happy that deal very treacherously? परमेश्वर का दास यिर्मयाह प्रभु से कहता, प्रभु रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। प्रभु आप तो धर्मी हो, न्यायी हो, यहोवा परमेश्वर, मैं आपके साथ प्लीड करता हूं, आपके साथ बात करना चाहता हूं। लेट मी टॉक विद दी, मुझे तेरे से बात करनी है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। यिर्मयाह नबी कहता है, प्रभु मुझे आपसे बात करनी है ऑफ दाई जजमेंट्स, आपके न्याय के विषय में, मुझे आपके न्याय के बारे में आपसे बात करनी, जो जजमेंट आप लेते हो। Wherefore doth the way of the wicked prosper? क्यों दुष्ट लोग इस दुनिया में पल फूल रहे हैं, क्यों अधर्मी धन और संपत्ति कमा रहे हैं और फलवंत हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उनके सारे काम
सफल हो रहे हैं, वो फूल फल रहे हैं, और क्यों तेरे लोग जो तेरे राहों में तेरे मार्गों में चलते हैं क्यों वो दुख उठा रहे हैं। यिर्मयाह प्रभु से प्रश्न करता है, Wherefore are all they happy that deal very treacherously? वो लोग जो दुष्टता से कुटिलता की चाल चलते हैं क्यों वो लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं, धनी हो रहे हैं, क्यों वो लोग बरकत पा रहे हैं, प्रभु से सवाल करता है। आप भजन संहिताएं पढ़ें, भजन संहिता 10 का पहला वचन पढ़ें, प्रभु का दास प्रभु से कहता है, परमेश्वर मेरी विपत्ति की घड़ी में तू मुझसे दूर क्यों खड़ा रहता है, हे परमेश्वर क्यों मैं तेरी उपस्थिति को तलाश नहीं कर पाता। जबूर 42 के 9 वचन में जबूर लिखने वाला कहता है, प्रभु का भक्त, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, परमेश्वर क्यों तू मुझे भूल गया है, क्यों तू मेरी और अपनी करुणा की दृष्टि नहीं करता। जबूर 44 का 24 वचन, Why, O Lord, you hide your face from me in my calamity? हे परमेश्वर, भजन संहिता 42 का 44 का 24 वचन में भजनकार कहता है, परमेश्वर तू अपना चेहरा मुझसे क्यों छिपा के रखता है। हालेलुया, क्यों मुझसे अपना चेहरा छिपाता है जब मैं विपत्ति की घड़ी में हूं। हालेलुया, ये प्रश्न करते हैं प्रभु के लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपके हर सवाल का जवाब दे, और ये भी जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपके हर सवाल का जवाब वैसे दे जैसे आप चाहते हैं। कई बार परमेश्वर का खामोश होना आपके लिए बेहतर है, कई बार परमेश्वर का खामोश होना परमेश्वर की करुणा है। क्यों? परमेश्वर अगर अपने अपरंपार ज्ञान को आपके अंदर डाउनलोड कर दे, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। साइलेंस ऑफ गॉड इज गॉड्स मर्सी। इफ वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग इट वुड बी ओवरलोडेड बर्डन फॉर अस। तो प्रभु हमें नहीं बताता, जैसे माँ बाप यदि किसी यात्रा पे निकलते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, मान लो पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को केवल इतना बताते हैं कि हम मौसी के घर जा रहे हैं आपके दिल्ली। वो ये नहीं बताते कि हम वाया चंडीगढ़ होके जाएंगे, या हम लुधियाना की ओर से निकलेंगे, या हम होशियारपुर की ओर से निकलेंगे, कौन सा राउट लेंगे, कहाँ कहाँ गाड़ी रोकेंगे, किस होटल में खाना खाएंगे, कहाँ से गाड़ी में तेल भरवाएंगे। दे डोंट गिव ऑल द डिटेल टू देयर चिल्ड्रन, क्योंकि वो छोटी छोटी डिटेल, छोटी छोटी जानकारी के लायक नहीं है छोटे नन्हे बच्चे। कई बार परमेश्वर भी हमारे संग ऐसे डील करता है, अपनी करुणा और दया के कारण परमेश्वर खामोश रहता है। परमेश्वर हमें उतनी जानकारी देता है जितनी हम हैंडल कर सकें। हालेलुया। तो हबक्कुक परमेश्वर से आगे प्रश्न करता है, और अगला जो इसका पड़ाव है दूसरे अध्याय का और फिर तीसरे अध्याय का, वो हम अगले सेशन में करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।